हाय हेलो वेलकम टू नाइन्थ लाइव डेली एंड वेलकम टू अनअकैडमी फाउंडेशन चैनल. सो बच्चों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज सेट्स का लेक्चर नंबर वन. सो दिस इज वेरी इजी टॉपिक, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. लाइक इस टॉपिक को आप 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. लाइक ये 11th क्लास का टॉपिक है, बट बच्चे बहुत डिमांड करते हैं कि मैम ये चैप्टर हमें पढ़ना है ना. और ये चैप्टर एक ऐसा है जो बहुत मतलब रियल टाइम में या रियल वर्ल्ड में बहुत यूज होता है. सेट्स क्या है एंड बेसिकली सेट्स आपका मेंटल एबिलिटी वाले पार्ट में भी यूज होता है जब आप वेन डायग्राम वाला पार्ट करते हो. एंड दिस इज वेरी अमेजिंग टॉपिक और वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी. आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे. जैसा कि आपको पता है कि हम आपको यूट्यूब पे फाउंडेशन चैनल है हमारा. सो हम आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपको थोड़ा 9th और 10th लेवल से हायर लेवल पे पढ़ा रहे हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस अमेजिंग टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. एंड बिफोर दैट आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई टीम. शी इज सीमा मैम, शी इज विंध्या मैम, अमेजिंग टीचर ऑफ बायोलॉजी. शी इज टेकिंग फॉर द बायोलॉजी. सीमा मैम इज टेकिंग फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. अमेजिंग she is taking for the physics and chemistry. बच्चे बहुत लाइक करते हैं मैम के वीडियोस, है ना. एंड एज यू ऑल नो दैट आई एम सुरभि एंड आई एम टेकिंग फॉर द मैथमेटिक्स एज वेल एज mental ability. And I have 6+ years teaching experience in teaching field. I have mentored 10,000 plus students and I have mentored 5,000 plus students for the NTSC and Olympiad. Aur bahut sare bachchon ne NTSC and Olympiad qualify kiya hai under my guidance. So if you want to select in NTSC and Olympiad, watch my videos on Unacademy Foundation channel and don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. Okay? Kyunki wahan se aapko notifications milenge. And again on your demand, this is the timetable जो कि आप लोगों को, आप लोग बहुत डिमांड करते हैं कि मैम टाइम टेबल नहीं पता, जस्ट क्लिक द पिक्चर ऑफ दिस एंड सेव इट. और हमारे वीडियोस इसी के अकॉर्डिंग रेगुलरली आते हैं, बट थर्सडे को मेरा यहां पे मैथ्स की जगह मेंटल एबिलिटी आता है. ओके, सो जस्ट वॉच माय मेंटल एबिलिटी वीडियो ऑन थर्सडे, है ना. जस्ट क्लिक ऑन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड पुट इट विद यू. यहां से आप देखोगे ये रेगुलरली हमारे क्लासेस आते हैं, इनको आप देख सकते हो और अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग कर सकते हो. एंड अमेजिंगली सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बच्चे आपको पता है कि वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू यू ऑन यूट्यूब. बट अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा हमसे कनेक्ट, सो यू कैन डू वन थिंग, जस्ट डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप एंड गो टू द एनी ब्राउजर. इंस्टॉल द टेलीग्राम ऐप, गो टू द एनी ब्राउजर एंड जस्ट टाइप द tinyurl.com/unacademyfoundation देयर. वंस यू टाइप दिस, you will get connect by the telegram group of an academy foundation. आपके सारे foundation channel के educators वहां पे हैं, including नमो सर, पारस सर एज वेल एज समीर सर. सो यू कैन कम्युनिकेट विद them, है ना. यू कैन कनेक्ट विद अस बाय द टेलीग्राम ग्रुप एंड यू कैन टेक एनी सजेशन बाई फॉर एनी एग्जाम इफ यू वॉन्ट टू अपियर फॉर एनी एग्जाम. ओके, सो जस्ट कनेक्ट विद अस विद द टेलीग्राम ग्रुप. अभी बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं, अगर अभी तक आप कनेक्ट नहीं हो तो जल्दी से कनेक्ट हो जाओ. और बच्चे As all you know that we are providing the quality education on YouTube. क्या YouTube पे सब कुछ नहीं मिलेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है. आपको YouTube पे सब कुछ मिलेगा, आपके स्कूल के टॉपिक्स के अलावा एक्स्ट्रा भी मिलेगा. Like sets, I am going to teach you. मैंने आपको log भी पढ़ाया है 9th में. मैं आपको sets भी पढ़ा रही हूँ and we'll move towards trigonometry also in 9th class, है ना. हम आपको वहां पे और higher थोड़ा सा हटके पढ़ाएंगे. But if you want to connect with your teacher in a personalized way, like if you want to कि आप किसी teacher अपने teacher से personalized way में पढ़ो, या फिर आप चाहते हो कि आपका regular basis पे doubt clearing session भी हो, आप चाहते हो कि आप test में भी appear हो, for that you can explore the plus platform. So what are the benefits of the plus platform? You'll get the DPPs there. रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते हैं, मेगा क्वेज, वीकली क्वेज होते हैं एंड साथ के साथ आपको पर्सनलाइज में वहां पे पढ़ाया जाता है. डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं एवरी 3 क्लासेस के बाद, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है. तो जो 3 क्लासेस में पढ़ते हैं उसका डाउट क्लियर होता है 4th क्लास में. सो जस्ट अमेजिंगली आप वहां पे कर सकते हो. कैसे करोगे? आई विल टेल यू. जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. दिस इज द टॉप ट्रेंडिंग ऐप इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू. आप लोगों की वजह से ही हम लोग टॉप ट्रेंडिंग बने हैं. सो in education field, just download and install that, and once you install that, just click on the plus and then select your category, that is foundation and NTSC. हमारे जो बच्चे 9th 10th में हैं और जो अपने foundation को strong करना चाहते हैं, just click foundation and NTSC.
इफ यू आर थिंकिंग कि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, यू कैन गो टुवर्ड्स आईआईटी और नीट. आप आईआईटी जेई या नीट की कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो यहां से, है ना. आपको लगता है कि फाउंडेशन आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है, सो अगर आप आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो जस्ट क्लिक ऑन द आईआईटी जेई. अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो जस्ट क्लिक ऑन द नीट एंड देन क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन. सो वंस इन यू क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन, सो दीज आर द प्लान्स फॉर द सब्सक्रिप्शन. What you'll do, just 1 minute. So these are the plans for the subscription. 1 month plan is there, 3 month plan is there, 6 and 12 and 24. So you can go with the any one of the plan. किसी भी plan को जा सकते हो. It depends on you. But we recommend if you are in 9th class, just go towards 24 month. If you are in 10th class, take 12 months plan. Because these are already very affordable. बहुत ही ज़्यादा affordable हैं. And including this, if you are applying the foundation life code here, agar aap isme foundation life code apply karoge, so the prices will get 10% discount. And aapke prices ye hain. And important baat, this is love from our side towards you. So don't forget to apply foundation life code, kyunki ye foundation channel ke educators ki taraf se aap logon ke liye hai. So you'll get the 10% discount and you'll get the prices like this. If you are taking for 12 months, so per month cost will be like 1300 something for all the subjects. And if you are taking for the 24 month, the per month cost will be 1000 something, hai na. And I think ki हर गांव-गांव में बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है. ओके, सो जस्ट गो टुवर्ड्स दिस एंड एक्सप्लोर द प्लस प्लेटफॉर्म. और सिर्फ ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन चैनल के ही एजुकेटर्स वहां पे हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं वहां पे, सो आप उनसे पढ़ सकते हो, है ना. सो चलो स्टार्ट कर देते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज सेट्स. तो सेट क्या होता है? सो हमारे बच्चे, बहुत ही सिंपल सी बात है, सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट. कभी आपने ऐसा किया है कि सेट ऑफ टॉफीज, कभी बोला कि सेट ऑफ बुक्स, हमने इसका पूरा सेट ऑर्डर किया है, हमने ऑर्डर किया है इस पब्लिकेशन का पूरा सेट बुक्स का, या फिर कार का सेट, है ना, सेम टाइप की कार का सेट, या फिर हम ऐसा बोल दें कि एक क्लास के स्टूडेंट का सेट, है ना. सो दीज आर कॉल्ड एज सेट्स. सेट्स किसको बोलते हैं? सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट्स के कलेक्शन को सेट बोलते हैं. सो व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ सेट? तो सेट के बारे में अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. ये तो हमने बहुत पढ़ा है, बहुत बार ऐसा किया ना कि हम अपने लिए एक नेकलेस का सेट ऑर्डर कर रहे हैं. गर्ल्स इसको बहुत अच्छे से समझेंगी, हम अपने लिए एक नेकलेस का सेट ऑर्डर कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ सेट, उसको सेट बोलते हैं. तो सेट का मतलब क्या है? सेट का मतलब है कि द कलेक्शन ऑफ अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. जो कि हर एक से, द सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. वेल डिफाइंड, सबसे पहले तो वेल डिफाइंड, व्हाट इज द वेल डिफाइंड? सो मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड कि उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हो सारे के सारे उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं. ओके, सो वो ऑब्जेक्ट्स जो उस वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी को फुल कर रहे हैं उनके कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स इज अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 2, 3, 5, 7, 11. द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, अगर आपसे कोई ये बोले फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, सो फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 होंगे. ठीक है, सो दिस इज द कलेक्शन. सो यहां पे जो वेल डिफाइंड वर्ड है उसका मतलब है फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर. सो दिस इज द प्रॉपर्टी. सो ये सारे के सारे नंबर आपके इस प्रॉपर्टी को फिलफिल कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट. समझ में आ गई बात? तो द सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, जो हर किसी से अलग अलग होते हैं. समझ में आ गया? चलो, सो विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ द सेट. सो व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ द सेट? द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट. द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट, जो कि उसके ऑब्जेक्ट्स है. जो ऑब्जेक्ट्स है, मैंने बोला ना द सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं.
ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं. द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट इज कॉल्ड द एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट. वी यूजली डिनोट द सेट बाय कैपिटल लेटर्स, और हम जनरली सेट को कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड एटसेट्रा. वी यूजली डिनोट द सेट बाय कैपिटल लेटर्स, सिंपल सी बात है, हम सेट्स को जनरली कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं. द एलिमेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ द सेट और मेंबर्स ऑफ द सेट. जस्ट लाइक यहां पे अगर हम बात करें, सो दीज आर द एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट 2, 3, 5, 7 and 11. ओके, समझ में आ गई. सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट. ओके, और सेट को जनरली कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाता है. तो इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वी कैन से दैट ए बिलोंग्स टू ए. ए एंड बी, राइट, इसको हम ऐसे लिखेंगे. अगर किसी सेट का कोई एक एलिमेंट है तो हम ऐसे लिखते हैं, लाइक अगर ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है, तो जब ए सेट ए का एलिमेंट है तो यू कैन राइट इट लाइक ए बिलोंग्स टू ए. ऐसे लिख सकते हो कि ए सेट ए को बिलोंग करता है, इसको हम ऐसे रीड करते हैं, ए बिलोंग्स टू, दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू. अगर ए ए का सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू, दिस इज द सिंबल ऑफ डज नॉट बिलोंग्स टू. ओके, सो अगर ए सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए. समझ में आ गई बात. सो एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स सेम बात है, वो क्या होते हैं, जो उस प्रॉपर्टी को फिलफिल करते हैं, जो प्रॉपर्टी सेट के लिए बनाई गई है, जो प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर रहे हो. सो वेल डिफाइंड के लिए जो एलिमेंट्स फुलफिल करते हैं उनको आप एलिमेंट और ऑब्जेक्ट्स बोलते हो सेट का. इज इट क्लियर टू एवरी वन? Those are known as elements or objects of the set. For example, let us consider the collection of odd natural number less than or equal to 15. Let us consider the collection of odd natural number less than or equal to 15. ठीक है? In this example, we can definitely say what is the collection, what the collection is. The collection have these numbers 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15. क्योंकि equal to 15 भी चाहिए. 15 से छोटे सारे नेचुरल नंबर चाहिए. सो 1, 3, 5 और नेचुरल नंबर चाहिए, 7, 9, 11, 13 and 15. सो दिस इज द कलेक्शन जो इस प्रॉपर्टी को फिलफिल कर रहे हैं. सो दिस इज द वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी. वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी इज और नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 15. ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को फिलफिल करने वाले ये आपके एलिमेंट्स हैं. अब नेक्स्ट, लेट अस कंसीडर द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास हु आर गुड at painting. In this example, we cannot say precisely which student of the class belongs to our collection. So this collection is not well defined. अब कोई कहे कि ऐसे 10 स्टूडेंट का कलेक्शन बनाओ जो कि गुड है पेंटिंग में, अच्छे पेंटिंग में. सो वी कैन नॉट प्रिसाइजली से कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है पेंटिंग में. ओके, सो दिस इज नॉट द वेल डिफाइंड कलेक्शन. लाइक अगर कोई बोले कि इंडिया के टॉप 10 राइटर्स की नाम बताओ, टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर बताओ, है ना. सो दिस इज नॉट द वेल डिफाइंड कलेक्शन. कोई बोले टॉप फाइव बॉलर्स के नाम बताओ, सो दिस इज नॉट द वेल डिफाइंड कलेक्शन. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द सेट. सो सेट क्या होता है, जो वेल डिफाइंड होता है. सो जैसे कि ये आपको एग्जाम्पल मिल गया कि ऐसा एग्जाम्पल जब भी होगा सो वो आपका सेट नहीं होगा. सेट वो होंगे जो वेल डिफाइंड होंगे, जिनको आप इजिली आंसर कर पाओगे, जिनके कलेक्शन को आप इजिली लिख पाओगे. लाइक अगर मैं टॉप टैलेंटेड राइटर्स की बात करूंगी सो यू कैन नॉट प्रिसाइजली से कि कौन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है. समझ में आ रही है बात. सो दिस इज द वे, है ना. सो अब आई थिंक सबको आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड. द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड कि जो कि आप प्रिसाइजली जिसका आंसर कर सकते हो. जैसे कि इससे पहले वाले में था कि कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 15, तो आप इजिली उनका आंसर कर पा रहे थे. लेकिन जहां पे बात आएगी कंपेरिजन की, है ना, अब जैसे टॉप टैलेंटेड की बात मैंने की तो कौन किसके अकॉर्डिंग कौन सा टैलेंटेड है, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा. लाइक किसी के अकॉर्डिंग कंटेंट मैटर करता है, किसी के अकॉर्डिंग कंटेंट मैटर करता है, किसी के अकॉर्डिंग थ्योरी मैटर करती है, किसी के अकॉर्डिंग अवार्ड्स मैटर करते हैं, तो किसके बेसिस पे किसको टैलेंटेड बोलोगे. समझ रहे हो मेरी बात को. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द वेल डिफाइंड कलेक्शन. समझ में आ गई बात. चलो सो चलो आगे बढ़ जाते हैं. सो क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड जो कि हम मैथ्स में यूज करते हैं सेट, लाइक एन. एन इज द एन को डिनोट, एन वो सेट है, एन वो सेट है. कहीं पे भी मैथ्स में अगर आपको कैपिटल एन लिख के दिखे तो उसका मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स. समझ में आ रही है, सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स. कैपिटल एन मतलब सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर. कहीं डब्ल्यू लिखा दिखे सेट ऑफ ऑल द होल नंबर्स,
कहीं Z और I लिखे सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, कहीं Q दिखे सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। समझ में आ रही है बात? सो ये वाले जो सेट्स हैं ये आप मैथ्स में यूज करते हो। और ये बात जब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था सबसे पहले, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि होल W के सेट को, मतलब होल नंबर के सेट को W से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स के सेट को Z या फिर I से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर के सेट को Q से डिनोट करते हैं। सो ये मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। सो इसीलिए ये बार बार सब कुछ नहीं लिखा होता, कहीं अगर कैपिटल N लिखा है सो दैट मीन्स नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। कहीं पे अगर W लिखा है दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल द होल नंबर्स, कहीं पे अगर Z और I लिखा है तो सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, कहीं पे अगर Q लिखा है तो सेट ऑफ ऑल द रेशनल नंबर्स। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो सो विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। सो व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट? ठीक है, सो व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। ओके, किसी सेट में अगर पांच एलिमेंट है सो उसका कार्डिनल नंबर है 5। ओके, जैसे कि मैंने एक जो क्वेश्चन आपको दिया था अभी यहां पे हमने बात की थी, सो इसके एलिमेंट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, तो इसका इस सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो 8 है। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए। लाइक अगर उस सेट का नाम ए है सो इस उस सेट के लिए एन ऑफ ए जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 8। समझ रहे हो? सो कार्डिनल नंबर का मतलब है कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। समझ में आ गई बात? सो उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। समझ में आ गया? चलो सो आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं मेथड्स टू राइट अ सेट। हमने ये तो समझ लिया कि सेट होता क्या है, ये तो समझ लिया कि सेट क्या होता है, लेकिन अब सेट को लिखेंगे कैसे ये भी तो सीखना है। सो उसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो फॉर्म है सेट को लिखने की, तो फर्स्ट फॉर्म इज रोस्टर फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म इज रोस्टर फॉर्म। इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स। ये वो मेथड है जिसमें सेट को लिस्टिंग एलिमेंट्स कर लिस्ट करके लिखा जाता है, सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोजेस देम इन कर्ली ब्रैकेट्स। आपने बहुत बार देखा होगा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ ऐसे। ठीक है, लाइक 1 2 3 4 5। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज रोस्टर सेट, रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स में कॉमा से सेपरेट करके जिसको लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड एज रोस्टर फॉर्म। लाइक सपोज मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 2 लेस देन 3, अगर मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 3 सो उसका मतलब आएगा 1 एंड 2। सो दिस इज द सेट। ओके, सो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। जब आप रोस्टर फॉर्म लिखते हो तो एलिमेंट जनरली रिपीट नहीं होगा। समझ में आ गई बात? कभी ऐसा नहीं लिखा देखा होगा 1 2 2 ये, सो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो इसका मतलब यही है, ये और ये सेम है। समझ में आ रही है बात? सो जनरली not repeated, that's why in the very first slide when I told you about the set to wahan likha tha distinct different elements। samajh mein aa gayi baat? so elements repeat nahi honge, ye baat bhi samajh mein aa gayi। so this method is known as roster form। theek hai, isko bolte hain roster form। for example, jaise ki hum example ki baat kare, the set of letters of word mississippi may be written as, aise likhenge kyunki isme aap m kitni baar hai, एक बार, ठीक है। आई कितनी बार है? 4 times, लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे सेट में। एस कितनी बार है? 4 times, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। और पी कितनी टाइम्स है? 2 times, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। सो दिस का, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका जो सेट है, ऑल द लेटर्स का जो सेट है वो ये है। ये नहीं कि एम को आप एक बार लिख दो, एस को 4 बार लिखो, आई को भी 4 बार लिखो, पी को 2 बार लिखो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो सेट के रिप्रेजेंटेशन में कर्ली पैरेंथेसिस में सिर्फ एक ही बार लिखना होता है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? सो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू रिप्रेजेंट द सेट, दैट इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म सबको समझ आ गई है? देन वील गो टुवर्ड्स द सेट बिल्डर फॉर्म। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि रोस्टर फॉर्म इज वेरी इजी, बट सेट बिल्डर फॉर्म को थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कि अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है? इन दिस वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी और अ रूल व्हिच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। हम इसमें एलिमेंट्स नहीं लिखते सारे, हम इसमें प्रॉपर्टी लिखते हैं, उस जो प्रॉपर्टी वो सारे के सारे एलिमेंट्स फुलफिल कर रहे होते हैं। ठीक है, सो जैसे कि हमने लिखा ए,
ए को लिखा एक्स और यहां ये कोलन और यहां लिख देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, ठीक है, वेयर पी एक्स इज द प्रॉपर्टी बाय विच एक्स बिलोंग्स टू ए. ये वो प्रॉपर्टी है जो पी एक्स है, वो प्रॉपर्टी है जिसके जिसमें जो एक्स है वो उस ए सेट को बिलोंग करेंगे, है ना. एंड कोलन स्टैंड्स दैट सच दैट, इस कोलन को सच दैट की तरह रीड करते हैं. अब मैं आपको थोड़ा सही से एक्सप्लेन करती हूँ. लाइक सपोज मैंने ऐसे बोला, ये होता है आपका सेक्शन वन और कोलन के साथ लिखा होता है सेक्शन टू. सेक्शन वन में आप लिख देते हो जिस फॉर्म में एलिमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है. जैसे कि मैं आपको लिखना चाहती हूं कि सारे नेचुरल नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर जो कि लेस देन सिक्स है, उसका सेट मैं लिखना चाहती हूं इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर. तो मैं लिख देती हूं ए एक्स कोलन, ठीक है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू सिक्स, सिक्स से छोटे या सिक्स के इक्वल, एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो दिस इज द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है जो कि वो एलिमेंट सारे फुलफिल करेंगे जो यहां लिखने हैं. तो अगर ये तो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, लेकिन अगर आप इसको रोस्टर में लिखोगे तो आपका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 दिस, ठीक है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं ये सारे एलिमेंट, ठीक है. सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, जिसमें आप डायरेक्टली एलिमेंट्स नहीं लिखते, आप प्रॉपर्टी लिखते हो, प्रॉपर्टी लिखते हो. सो पी एक्स प्रॉपर्टी है जो कि आपको चाहिए, जो वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी थी, हमने वहां पढ़ा था. लाइक सपोज अगर मैं बोलूं कि एक एग्जांपल और देती हूं कि सारे वॉवल्स का कलेक्शन, ठीक है. सो सारे वॉवल्स के कलेक्शन के लिए मैं यहां पे लिख दूंगी बी सेट एक्स कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवल्स, एक्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवल्स, बस. सो ये आपका ऑल द वॉवल्स का कलेक्शन आ जाएगा. सो वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी जो बनेगी वो प्रॉपर्टी कोलन के बाद लिखोगे और यहां पे एक्स जिस फॉर्म में आपको एलिमेंट्स चाहिए, जिसको आप किसी को रेफरेंस भी तो देना पड़ेगा. समझ में आ गई. सो क्योंकि हर एक सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते. लाइक सपोज मैं बोलूं कि 2 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स, सो 2 और 3 में तो बहुत इनफाइनाइटली रियल नंबर्स हैं, है ना. समझ में आ गई. 2 और 3 में तो बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स, तो उनको लिख थोड़ी ना सकते आप रोस्टर फॉर्म में. तो उसके लिए आपको ऐसे लिखना है ए एक्स कोलन एक्स लाइज बिटवीन 3 एंड 2 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म. अब इसका मतलब है कि एक्स वो नंबर है जो 2 और 3 के बीच का है और सारे रियल नंबर्स है. सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर फॉर्म वो फॉर्म है जिससे आप एलिमेंट्स लिखते हो, जिसको आप कोड करके, ये एक कोड फॉर्म में दिया रहता है, प्रॉपर्टी की फॉर्म में दिया रहता है. इसका मतलब होता है सारे, मतलब सारे एलिमेंट जो उस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेंगे. सो हर बार आपको पूरा पूरा सेट लिखने की जरूरत नहीं है. जब तक छोटे सेट है तब तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब बहुत बड़े सेट आएंगे तो हम उनको हर बार थोड़ी ना लिख सकते हैं, ठीक है. सो इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म यूज होती है. सो आई थिंक आपको रोस्टर एज वेल एज सेट बिल्डर फॉर्म समझ आ गई है. ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन जो कि सेट बिल्डर फॉर्म का है और हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. सो कह रहा है x क्यूब x इज लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है. सो x इज x क्यूब करना है और x बिलोंग्स टू होल नंबर है. तो सिंपल है, आपका b सेट जो आने वाला है वो आने वाला है 0 1 8, ठीक है, 27 64, बस यही आएगा. क्यूब करना है, ठीक है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब. समझ में आ गया. सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट एंड दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म. तो प्रॉपर्टी क्या है, एक्स 5 से छोटा हो और एक्स होल नंबर हो. क्लियर. सो दिस इज द प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को फुलफिल करने वाले मैंने सारे ये एलिमेंट्स बना दिए. समझ गया बात. और हमको लिखना था एक्स क्यूब, ठीक है. क्लियर हो गई बात, सबको क्लियर हो गई है. या इसको मैं दूसरी तरह से भी लिख सकती थी, मैं एक और तरीके से भी लिख सकती हूँ, क्योंकि सेट बिल्डर भाई प्रॉपर्टी तो कोई भी कुछ भी बना सकता है, लेकिन एलिमेंट्स उसमें सेम आएंगे. जैसे कि मैं ऐसे लिख दूं इसको, मैं लिखूं, मुझे लिखना है यहां पे y, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इज लेस देन 5 एंड सॉरी x इज लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर. मैं ऐसा लिख दूं तो भी तो यही आएगा, मैंने बस एक नया रेफरेंस और इंक्लूड कर दिया, दैट इज y. सो अब क्या कह रहा है कि x, y की वैल्यू x क्यूब है और सेट में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो y आ रहे हैं,
और x क्या है 5 से छोटा और होल नंबर, तो 5 से छोटा होल नंबर यहां से ले लो, यहां पुट करते जाओ y आता जाएगा, y उस सेट का एलिमेंट बन जाएगा। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, क्लियर। चलो सो विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन अगेन एक्सप्रेस द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो क्या दे रहा है 2, 5, 10, 17 एंड 26 भाई ये दे रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x square plus 1 and x is less than equal to 5 and x belongs to natural numbers। बस अब देख लो चाहे तो, जैसे ही x की वैल्यू 1 करोगे तो आएगा 1 square plus 1 यानी कि 2, जब x की वैल्यू 2 करोगे तो 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 5, जब x की वैल्यू 3 करोगे तो 9 प्लस 1 4 करोगे तो 16 प्लस 1 5 करोगे तो 25 प्लस 1, तो ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द प्रॉपर्टी जो ये फुलफिल कर रहे हैं। समझ आ गई बात, समझ में आ गया बात, है ना। चलो अच्छा, कोई इसको और भी तरीके से लिख सकता है, कोई अगर इसको ऐसे लिखना चाहे x स्क्वायर प्लस 1 x लाइज बिटवीन, ऐसे मैं बोल देती हूं लेस देन माइनस वन एंड ग्रेटर देन माइनस ऑफ इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव, ऐसे एंड दैट्स इट, एंड एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ऐसे मैं बोल देती हूँ, तो भी सेम बात है। एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, माइनस फाइव और वन से के बीच के इंटीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, माइनस फाइव और वन के बीच के इंटीजर्स कौन कौन से, इक्वल टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। सो वही वैल्यू उनकी जब स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएंगी, माइनस वन स्क्वायर यानी कि प्लस वन, वन प्लस वन टू, फिर माइनस टू करोगे तो फोर एंड फाइव, माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, तभी भी वही आंसर आएगा, समझ रहे हो। सो प्रॉपर्टी ऐसा जरूरी नहीं है कि यही प्रॉपर्टी लगेगी, आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो यहां पे जो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल ना कर रहा हो, क्लियर। सबको समझ आ गई है। सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, और हमने सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिख के दिखाया। चलो सो नेक्स्ट वन इज, दिस इज द क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए वेयर, ये प्रॉपर्टी दी गई है ए कॉमा बी लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, वेयर जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, इस बार आपको सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो ए कॉमा बी करके लिखने हैं, ठीक है। वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 वाले कौन कौन से एलिमेंट बन सकते हैं, तो पहला एलिमेंट तो जो आपका बनेगा वो 0.5 बनेगा, ठीक है। पहले मैं दो मेथड से मैं आपको इसको सिखाऊंगी, ठीक है। दूसरा एलिमेंट आपका बनेगा 0.-5, तीसरा एलिमेंट आपका बनेगा 3.4, फिर 3.-4, फिर -3.4, फिर -3.-4, फिर 4.3, फिर -4.-3, फिर 4.-3, फिर -4.3, ये सारे बन रहे हैं। और क्या बन रहा है, एक और बन रहा है, अभी छोड़ दिया मैंने, एक बन रहा है मेरा 5.0 और एक बन रहा है -5.0। ये सारे वो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इंटीजर्स को बिलोंग करें तो इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, जिनको आप स्क्वायर करके सम करोगे तो आपको 25 मिलेगा। 0, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 बन रहे। अच्छा कोई छूट तो नहीं गया, 3.4, 4.3 छूट गया है, 4.3 छूट गया, हो गया। चलो फिर क्या है, 3.-4, ठीक है, इसको भी करोगे तो वही आएगा। फिर आप यहां देख लो, -4.3 हो गया, हो गया, -3.4 हो गया, यस। सो 4.-3 हो गया, हो गया, अब -3.-4 हो गया, -4.-3 भी हो गया, ठीक है। 0.5 हो गया, यस, 5.0, 0.-5, -5.0। सो ये वो एलिमेंट्स है जिनको ए और बी की जगह अगर आप पुट करोगे तो आपका आंसर 25 मिलेगा, और सेट का हर एक एलिमेंट आपको इस फॉर्म में लिखना है। सो दीज आर एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, जो कि ये सेट ए है, ये मैंने आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिया है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ, दूसरे तरीके से बताती हूँ, जैसे कि आपको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। तो जब आप a की वैल्यू जीरो करोगे तो b कितना मिलेगा आपके पास, b को अब b मिलेगा आपको प्लस माइनस 5, तो यहां से मिल रहा है 0.5 एंड 0.-5, ठीक है। जब आप a की वैल्यू 1 करोगे, सो 1
plus b square is equals to 25, b square is equals to 25 minus 1 यानी कि 24, 24 is not the perfect square, so वो तो solve नहीं होने वाला, so इसीलिए b की value 1 नहीं हो सकती, a की value 1 नहीं हो सकती, कुछ नहीं मिलने वाला है, a की value 2 पे भी again 4, ये 21 हो जाएगा, again square root नहीं निकलेगा, so नहीं, जब a की value 3 करोगे, तो ये आ जाएगा 16, यानी कि plus minus 4, so b मिलेगा आपको plus minus 4, so यहाँ से मिल रहा है 3.4 and 3, -4 समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है बात अब जब a की वैल्यू को 4 करेंगे जब a की वैल्यू को 4 करेंगे तो b कितना आएगा प्लस माइनस 3 तो यहां से मिल रहा है 4, प्लस 3 एंड 4, मतलब 4, माइनस 3 ठीक है अब जब a की वैल्यू को 5 करेंगे जब a की वैल्यू को 5 करेंगे तो b कितना आएगा 0 है ना सो 5, 0 5, 0 तो ऑलरेडी आ चुका है नहीं आया है एंड 0, प्लस माइनस 5 0 -5, 0 भी होगा क्योंकि आप अच्छा इंटीजर्स है सो a की वैल्यू -5 भी कर सकते हो क्लियर तो यहां से आपको कितनी वैल्यूज मिले 1 2 3 4 5 6 एंड जस्ट इनके नेगेटिव वाले भी साइड आएंगे लाइक आप a की वैल्यू को इंटीजर कर सकते हो ना सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स तो a की वैल्यू आपने प्लस 1 किए तो आप -1 भी कर सकते हो जब a की वैल्यू जब -3 करोगे उस केस में यहां पे -3 के साथ कुछ-कुछ वैल्यूज मिलेंगी जैसे कि अब मैं a की वैल्यू को इसी के नेगेटिव लेना स्टार्ट कर दूं मैंने बोला कि a मेरा हो रहा है अभी मैंने 0 लिया था 1 लिया था -3 तो जब a -3 हो रहा है उस केस में भी तो b की वैल्यू क्या आ रही है उस केस में भी तो b कितना आ रहा है प्लस -4 सो यहां से -3, 4 भी आ रहा है और -3, -4 भी आ रहा है ठीक है जब a की वैल्यू को 4 करोगे सो b कितना -4 करोगे तो b अगेन आएगा प्लस -3 सो -4, 3 और -4, -3 सेम बना रहे हैं फिर जब a की वैल्यू a की वैल्यू को -5 करोगे जब a की वैल्यू को -5 करोगे यहां से a की निकाला है सो फिर अगेन 0 आएगा अब उनको ओरली काउंट कर लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बन रहे हैं जो कि 12 यहां ऑलरेडी बन चुके थे तो 12 इज द करेक्ट आंसर समझ में आ रही है बात कैसे कर रहे हैं सो काउंटिंग इज वेरी इजी आप सिंपली ऐसे प्रॉपर्टी लगा के देख सकते हो क्लियर तो आई थिंक आपको सेट बिल्डर फॉर्म भी समझ आ गई है ना सो चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की बट आज की क्लास में टाइम हो गया है सो वी विल स्टार्ट दिस सेक्शन इन द नेक्स्ट क्लास टाइप्स ऑफ सेट को पढ़ेंगे और उसके आगे का पार्ट करेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड सेकंड इंपॉर्टेंट बात बच्चा डोंट फॉरगेट टू अप्लाई फाउंडेशन लाइफ कोड व्हाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन ईदर यू आर टेकिंग फॉर द जेई नीट और फाउंडेशन किसी के लिए भी अगर आप ले रहे हो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई फाउंडेशन लाइफ कोड एंड फाउंडेशन लाइफ कोड करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा प्राइसेस में एंड बच्चा डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो एंड शेयर आवर वीडियो विद द हैशटैग लाइव स्कूल डेली विद द हैशटैग लाइव स्कूल डेली ऑन द लाइव स्कूल डेली आप लोगों के लिए है ना एंड ऑन द फेसबुक एज वेल एज इंस्टाग्राम अगर हमको वहां पे आपका पोस्ट मिलेगा तो हमारी पूरी टीम आपको वहां पे मैसेज करेगी सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड एज यू ऑल नो कि दीज आर 3 आवर चैनल तो आप रिस्पेक्टिवली तीनों चैनल को सपोर्ट कर सकते हो तीनों चैनल को सपोर्ट करो हमारे जो बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर करें जेई को फॉलो कर सब्सक्राइब करें नीट को करें एज यू ऑल आर इन 9th एंड 10th डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब 9th एंड 10th चैनल ओके चलो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद द टाइप्स ऑफ सेट एंड नेक्स्ट अमेजिंग क्वेश्चंस ओके चलो बाय बाय सी यू